दिया क्या? नहीं नहीं नहीं, किचन तो अपना खुलेगा, बट थोड़ी हवा ज्यादा है, प्लस लोकेशन इतनी प्यारी है, तो मैंने सोचा आराम से बैठ के इसको एंजॉय करते हुए चॉपिंग कर लेती हूँ, फिर चलेंगे अपना किचन खोलने। इतनी प्यारी लोकेशन है, अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर धूप बिल्कुल नहीं थी, एकदम फॉगी फॉगी हल्का सा वेदर हो गया था, लेकिन एकदम से अभी आप देखो पीछे सूरज की किरण वापस निकल चुकी है। तो इतना शानदार एरिया है, मस्ट रिकमेंडेड प्लेस है यहाँ पर कैंपिंग के लिए। अगर आप खुद का टेंट लगाना चाहते हो तो वो भी लगा सकते हो, इनका अगर टेंट आपको यूज करना है तो आप वो भी कर सकते हो। पीछे सनसेट होने वाला है, इतना शानदार सनसेट पीछे अभी हो रहा है, और उसके साथ आप देखो यहाँ पे वेजिटेबल्स कट रही है और हवा इतनी प्यारी चल रही है, आप देख सकते हो जो पीछे मंत्र किस तरह से हिल रहे हैं, और इनके बीच में एकदम सूरज, और जस्ट थोड़ी देर में होने वाला है सनसेट। यार ये लोकेशन कितनी प्यारी है, ये बहुत प्यारी लोकेशन है, मतलब मन नहीं है यहाँ से बिल्कुल भी उठने का, बट थोड़ी हवा ज्यादा है इसलिए रात को अंदर रहना पड़ेगा, वरना तो आप रुक जाओ यहाँ पे पूरी शाम तक रात तक एंजॉय करो आराम से। पत्थर के पीछे आके बैठे हुए हैं ताकि हम थोड़ा सा बोल पाए, अदरवाइज हवा के चक्कर में आवाज ही नहीं निकल रही है। तो आप चलते हैं, डिनर की प्रिपरेशन करते हैं, फाइनल करते हैं और खाते हैं, और फिर शाम का व्यू दिखाते हैं आपको। मौसम सडनली बिगड़ गया है, बहुत तेज हवा चल रही है, और अभी जो टेंट के यहाँ के जो ओनर है उन्होंने बोला है कि अपने मोबाइल चार्ज कर लो, रात को बहुत तेज आंधी आ सकती है। आप अंदाजा लगा सकते हो पीछे कितना तेज हवा चल रही है, और पीछे जो मौसम है वो एकदम से चेंज हो गया है, एकदम से क्लाउडी वेदर हो गया है। तो आज कर रहे हैं हम तूफानी, इतनी तेज आंधी के अंदर आज हम बना रहे हैं हमारे पहली बार पुलाव। तेल ही गर्म नहीं हो रहा, इतनी तेज हवा आ रही है। भाई जल्दी जल्दी बना दो बस आज तो। तो हवा रुकेगी, हवा से ही बोलना पड़ेगा कि जल्दी जल्दी थोड़ा सा रुके, फटाफट हमारे पुलाव बने। बस तो मसाले भी मेरे आंखों में आ रहे हैं वापस, इतनी हवा है। तो ये हमने आज पहली बार ही एक्सपीरियंस किया है कि इतनी तूफान में इतनी तेज हवा के अंदर किस तरह से पुलाव बनते हैं। आज तो हमने चैलेंज ले लिया था, चाहे कुछ भी हो हम हमारे पुलाव बना के ही छोड़ेंगे, थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा लेकिन नो डाउट हम हमारे पुलाव आज बना लेंगे। और हवा का अंदाजा मैं आपको दिखाता हूँ कितनी तेज किस तरह से चल रही है, ये देखो ये जो मंत्र है यार कितनी तेज हिल रहे हैं, आप इसी से इसका अंदाजा लगा सकते हो हवा कितनी तेज चल रही है। थोड़ी सी मेहनत लगेगी लेकिन पुलाव जल्दी बन जाएंगे, बिल्कुल एकदम तेज ठंडी वाली, क्योंकि शायद साइड में रिवर भी है ना, तो आप इसी वजह से वो हवा सेम आ रही है और ठंडी ठंडी आ रही है। मतलब हमें पता नहीं था कि दिन में एकदम धूप थी, बिल्कुल भी हवा नहीं चल रही थी, और सडनली इतनी तेज हवा आ गई है, इतनी तेज हवा आ गई है कि हमारा अच्छा हुआ हमने आज टेंट नहीं लगाया, नहीं तो नो डाउट बच्चे परेशान होते, और अगर नहीं भी होते तो वैसे तो हमारे पास स्लीपिंग वगैरह बैग सब कुछ है, लेकिन यार इतनी हवा में इतनी ठंड के अंदर कहाँ क्या इमरजेंसी आ जाए कुछ पता नहीं है, जबकि पास में रिवर भी बह रही है। देखो यार थोड़ी डिफिकल्टी तो होती है, एडवेंचर थोड़ा सा तो होता है, बट बाहर आके अगर एडवेंचर नहीं किया और अगर बैठे रहे मोबाइल लेके नजारे देखिए तो मजा ही क्या। तो हमें तो एडवेंचर करना बहुत अच्छा लगता है, सेफ एडवेंचर। अगर आपको भी हमारे ब्लॉग पसंद आया हो, हमारा कंटेंट पसंद आया हो, हमारा एडवेंचर पसंद आया हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। आज तो अच्छा खासा मजा आ गया, इतनी सारी हमने कैंपिंग करी, लेकिन ये आज तक की हमारी सबसे ज्यादा एडवेंचरस नाइट है, जिसके अंदर हम हवा के अंदर तूफान के अंदर और हमारे पुलाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये होता है कैंपिंग का असली मजा कि आप थोड़ा सा मैनेज करो और अपना खाना भी बना लो और इस एडवेंचरस जो माहौल है इसको भी इंजॉय कर लो। लेकिन एक बात तो है, लोकेशन बड़ी प्यारी है, पास में बह रही है नदी और दोनों चारों तरफ है वैली,
और पीछे इतने प्यारे टेंट, तो गाड़ियां लगी हुई सबकी बाहर और पीछे अंदर लोग सब इंजॉय कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले गाने बज रहे थे लेकिन भैया ने गाने बंद कर दिए क्योंकि सब लोग अंदर चले गए, तो बस हम दोनों और कुछ चार पांच लोग हैं जो रील्स बना रहे हैं बाहर, बाकी और कोई नहीं है, सब के सब अंदर अपना बैठ के बातें कर रहे हैं। फाइनली थोड़ी सी आवाज आने लगी है। तेज हवा और फाइनली पुलाव बनाई लिए, अब चलते हैं रूम के अंदर जो टेंट है हमारा और वहाँ बैठ के एंजॉय करेंगे और बच्चों को भी खिलाते और करते फिर आपसे आगे की बातें। हेलो, टेंट खोल लेते भाई, हवा चल बन गया तो इसका ढोल नगाड़ों से स्वागत करना चाहिए। नाक बह रही है मेरी तो, बट तुम कह रहे थे ना चावल नहीं पके गए, बढ़िया पक गए देख लो यार, यम्मी यम्मी पुलाव। चलो भाई, जोलू क्या कर रहे हो, इधर आ जाओ खाना खाएंगे। अरे इतनी मुश्किल से बनाए थोड़ा सा खाने, अब टेंट देखो कितनी तेज हिल रहा है, सोचो बाहर कितनी हवा चल रही होगी और हम बना के लाए हमारे बाहुबली पुलाव। यार एडवेंचर करने में मजा तो आता है, देखो चलो अब खाना खाते हैं और फिर मिलते हैं आपसे बाहर। तो ये कुकर प्रेशर लेने में इतना टाइम ले रहा था लेकिन अब एक भी निवाला मुंह में नहीं जा रहा, इतना गर्म है ये, तो वेट ही करना पड़ेगा। अचार थोड़ा सा साइड में, बाहर इतनी तेज हवा चल रही है, इतनी तेज हवा चल रही है, मतलब आप मान के चलो आज रात को मेरे हिसाब से तूफान तो आएगा ही आएगा और टेम्परेचर भी काफी माइनस में जाएगा, मतलब माइनस तो नहीं लेकिन काफी डाउन होगा। और आप मानोगे नहीं, इस टेंट को लेना है नहीं लेना है आज टेंट या खुद का टेंट लगाना है, तो हम चाह रहे थे हम अपना ही टेंट लगाए, इतनी हमने डिस्कशन की आज पूरे रास्ते में, इतनी डिस्कशन की है, कम से कम 10-15 टाइम्स राजेश ने मुझे पूछ लिया ले ले नहीं ले, अपना लगाए ले ले नहीं ले, बट भगवान जो करता है सही के लिए करता है, तो हमारा ये डिसीजन सही था कि हमने टेंट ले लिया, वरना तो आज वैसे भी लेना पड़ता आधी रात को भाग के। इस माहौल को देख के ऐसा लग रहा है कि आज हमने अच्छा हुआ हमारा टेंट नहीं लगाया, नो डाउट वो भी सेफ होता है, कहीं ना कहीं अंदर लोकेशन में हम लगा सकते थे, लेकिन एक इस टेंट की बात और एक अपने टेंट में थोड़ा सा तो डिफरेंस होता ही है, और इनकेस थोड़ा सा अगर इमरजेंसी आ जाए तो यार वो टेंट उन लोग का भरोसा नहीं रहता है, ये प्रॉपर पाइप लोहे के पाइप के ऊपर बने हुए होते हैं कैनवास के टेंट, तो हमारा डिसीजन अच्छा था कि यार आज रात हमने यहाँ अंदर ले लिया। कैंपिंग तो यार देखो चलती रहेगी लेकिन बच्चों की सेफ्टी से ऊपर कुछ नहीं है। चलो अब खाते हैं, ये ज्यादा ठंडा हो जाए उससे पहले इसका मजा ले लेते हैं। ये देखो इनकी थकान अभी भी नहीं गई है, लेकिन आज हमने सबने फुल एडवेंचर कर लिया, फुल भागा दौड़ी कर ली, फुल तूफानी खेल खेल लिए, पुलाव बना लिए तूफान में, अब टाइम आ गया सोने का, तो मिलेंगे आपसे कल एक नए वीडियो के साथ और ऐसे ही एडवेंचर जारी रहेगा। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, तो चलो मिलते हैं आपसे कल दोस्तों, गुड नाइट। ये देखो इनका तो अभी भी इनका तूफानी खेल खत्म नहीं हो रहा है, भागने में लगी पड़ी है कि कब भागने, बाहर गाने चल रहे हैं और इसको मस्ती सूझ रही है, तो चलो दोस्तों मिलते हैं आपसे कल और मिलेंगे किसी नई लोकेशन पर और इसी तरह के अतरंगी चीजों के साथ। बाय। तो चलो यार दोस्तों लाइक करना तो जरूर बनता है जोएल के लिए, बाय बाय, गुड नाइट।